अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जी, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो ये जी आज फिर हमने ये एक लोडर का डिफेंसर खोला है। इसका ये देखें, ये जो भाई साहब निकाल रहे हैं ये बैरिंग देखें। तो पहले मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया था, तो उस वक्त ये मैं नहीं बता सका, तो सिर्फ एक जस्ट आइडिया दिया था। तो ये अभी आपके सामने निकाल रहे हैं इसका एक्सल। तो इसको नीचे गिराया तो ये जो बैरिंग है ये खुद ब खुद निकल गया, आगे चला गया। अभी दूसरा वाला निकालते हैं। तो ये देखें, ये अभी तो ये दोस्तों थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप यहाँ से भी मार के निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा टाइट हो। और याद रहे कि दोस्तों, अगर दूसरी तलर निकालते हैं जैसे कि पहला हमने निकाला है, तो उसके आगे कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है, किसी को वायरिंग लग सकता है, चोट वगैरह। तो ये जी वायरिंग है इसका, तो बैरिंग इसका हम नया डालेंगे, डैमेज हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये डैमेज हो गया जी बैरिंग इसका। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले थी और सीलें भी इसकी लीक हो गई थी, इसके अंदर कचरा गया। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको उस दिन बताना इसमें भूल गया, लेकिन इसको भी हमने पूरा तो नहीं खोला, तो जब पूरा खोलेंगे फिर भी मैं आपको इसकी जो एडजस्टमेंट है डिफेंशर की वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं एडजस्टिंग का बता रहा था। इसकी एक ओरिजिनल गेज आती है कैटरपिलर की, तो हर किसी के पास नहीं होती है, हमारे पास भी नहीं है। तो इसकी जो एडजस्टिंग है, इसका जो कड़ा और पिनियन इसका जो है डिफेंसर का, तो इसका मैं आपको बता दूँ कि इसमें हल्की प्ले होनी चाहिए। आप ऐसा करेंगे, ये पहले तो आपने ये चिक नट दोनों साइड में टाइट करने हैं। तो टाइट करने के बाद ये जब जाम हो जाएगा तो इसको हल्का हल्का लूज़ करना है दोनों साइड से, और इसमें हल्की प्ले होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ दिखाएं जी ये योक, तो इसको आप हिलाएंगे तो इसमें हल्का साउंड भी आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये देखें, ये जब ऐसे अंदर बैठता है, जब फुल टाइट करेंगे तो आपने हल्का लूज़ करना है दोनों साइड में, इतना गैप होना चाहिए प्ले, हल्की ज़्यादा भी नहीं। तो ये गैप इसलिए दी है कि जब ये चलता है, गर्म होता है, तो ये मज़ीद लोहा जो है, जो स्टील है, ये यानी कि फैल जाती है, तो वो जब चलेगा गर्म होएगा तो वो अपनी जगह कवर कर लेता है ऐसे। तो आप शुरू में अगर इसको मतलब ज़्यादा टाइट इस तरह कर देंगे तो ये जो टीथ हैं आपस में मिल जाएंगे, गर्म होने के बाद जब ये मज़ीद फैलेगा स्टील, तो उससे जो है ये फिर डैमेज हो जाता है अक्सर। तो इसमें हल्की लाजम प्ले रखनी चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह ये जब नेक्स्ट टाइम अगर ख़राब कोई भी हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इसके अंदर क्या सिस्टम है और क्या तरीक़ाकार है इसका। तो ये अभी एक मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है इसका। तो बाकी इसकी बस सीलें लीक हो गई थी, वो बैरिंग एक्सल का ख़राब होने से कचरा गया, तो बाकी ठीक है ये अंदर से। तो एक और दोस्तों एक चीज़ है, ये बैक साइड का है, तो अगर आपके पास क्रेन नहीं है तो आप इसको हमने यहाँ से निकाला, अगर आपके पास क्रेन अवेलेबल नहीं है तो इसको आप जैक की मदद से भी आप दोनों एक्सल, क्योंकि ये इसका जो है बैलेंसर सिस्टम है, यानी कि ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, तो आगे वाला है वो ठोस है, उसको तो बाहर निकालना पड़ता है हर सूरत में, लेकिन वो भी इजी है क्रेन ना हो तो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, बाकेट डाउन करके तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका ये है कि आप वन बाई वन यानी कि इसका डिफेंसर यहाँ पे लगा रहने देंगे और दोनों साइड से वन बाई वन करके निकाल के सीलें, और ये ब्रेक का जितना भी पिस्टन वगैरह आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जैसा कि ये हमारे पास जैक है, इस जैक का होना ज़रूरी है जी। तो हमारे पास तो क्रेन अवेलेबल थी, तो जिसकी मदद से हमने ये पूरा ही बाहर निकाल दिया।
तो इंशाल्लाह जब कहीं आउटसाइड पे मौका मिलेगा तो वो जिस आईडिया से हम लोग यहाँ ये रिमूव करते हैं बैक साइड, तो आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे मज़ीद। बस ये भी एक आपको आईडिया दे दिया, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में आ गया होगा, तो इस आईडिया से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।